हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं मधुमक्खी से जुड़ी हुई शुभ और अशुभ बातें। मित्रों, मधुमक्खी अचानक से अगर घर में आकर गिरती है और वो भी मृत अवस्था में आकर गिरती है तो ये एक अशुभ संकेत होता है। कई बार होता है ना, मधुमक्खी हमें मरी हुई मिलती है, पड़ी हुई जीवित नहीं होती है मधुमक्खी, तो वो शुभ संकेत नहीं होता है। और वैसे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और मधुमक्खी का छत्ता भी जहाँ पर होता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत ख़राब होता है, लेकिन बहुत से लोगों से जब वार्तालाप किया तो इसके नकारात्मक परिणाम ही अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मधुमक्खी है वैसे तो बहुत पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन छत्ता वो कुछ खास जगहों को चुनकर बनाती है, तो ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु होता है। तो मधुमक्खी का छत्ता ऐसे हर किसी मकान पर नहीं बनता है, और जहाँ घर गृहस्थी है, बसावट है, वहाँ इजीली मधुमक्खी अपना छत्ता नहीं बनाती है। लेकिन वैसे बेसिकली मधुमक्खी बहुत ही मेहनती मानी जाती है और मधुमक्खी शुभता भी बढ़ाती है, क्योंकि मधुमक्खी शहद पैदा करती है जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है और जीवन में मिठास घोलता है। इसलिए मधुमक्खी कुछ चीज़ों में बहुत शुभ मानी जाती है। इसकी एक बात मुझे अभी कुछ ही दिन पहले पता चली वार्तालाप के आधार पर। मैं एक ग्रामीण कार्यक्रम में गई थी, ग्रामीण लोगों के कार्यक्रम में, और वहाँ वो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, तो उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की और आपके लिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ आपसे कि मधुमक्खी का छत्ता जब भी उड़कर आता है, जैसे बहुत सारी छत्ते से मतलब है ग्रुप में जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ रही होती हैं, तो गांव ग्रामीण स्त्रियाँ जिनसे मैंने बात की अभी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी कोई मधुमक्खी का छत्ता निकल उड़ता हुआ, मतलब मधुमक्खियाँ ग्रुप में निकलती हैं, तो वो हाथ जोड़कर उनको भवानी बोलती हैं कि हे माँ भवानी, और आप हमारी रक्षा कीजिए और हमारे घर में, हमारे जीवन में भी वैसे ही मिठास घोलिए जैसा कि आप मिठास तैयार करती हैं। तो वो बोली कि ऐसा आशीर्वाद मिलता है मनुष्य को और मनुष्य बहुत सुखों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी से मन मांगी मुराद अगर मांग ली जाए, ऐसे अचानक से कुछ मधुमक्खियाँ उड़कर जा रही हों, तो एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसके अलावा पिछले दिनों मैं अपने कार से जयपुर से बाहर जा रही थी, और वो कार मैंने कुछ टाइम पहले ही खरीदी थी, नई थी, तो ड्राइवर चला रहे थे उसको, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, हम सब साथ में थे, मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड और मैं, हम चारों जने थे, और जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने भी, क्योंकि बहुत सारी मित्रों बातें ऐसी होती हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है और ये किसी किताब में नहीं मिलती हमें चीज़ें। तो क्या हुआ, हम लोग जैसे जयपुर से निकले और थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे हम लोग, और एक कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई आई और वो शहद हमारी गाड़ी के जहाँ आगे वाइपर लगे हुए होते हैं उस पर शहद छिड़क कर एकदम से उड़ गई। तो ड्राइवर बोला कि आज ये गाड़ी शहर से बाहर निकली है पहली बार और देखिए मधुमक्खियाँ शहद छिड़क कर चली गई, तो आपकी गाड़ी बहुत ही शुभ है आपके लिए। तो उनकी बात हमें काफ़ी अच्छी लगी मित्रों, और ये मैं आपसे शेयर करते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पास एक गाड़ी और आ गई, मतलब विद इन शायद एक वीक ही दूसरी गाड़ी भी मेरे पास आ गई, जबकि उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो उस गाड़ी ने अपनी शुभता को बढ़ाया, और मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी मैं बिलीव करती हूँ, तो गाड़ी मैंने 6 नंबर की खरीदी थी गाड़ी, तो नंबर भी वर्क करते हैं, ये मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी। लेकिन वो मधुमक्खी जो शहद छिड़क के गई, वो घटना मैं आपको बता नहीं सकती मित्रों, इतनी बढ़िया वो सीन था मैं आपको बता नहीं सकती, शहद ही शहद बिखेर कर चली गई। और ड्राइवर ने जो बात बोली तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, ड्राइवर बहुत अच्छे थे वो, और उन्होंने भैया ने इतनी अच्छी बात बताई हमें, तो ये बहुत ही, मतलब मैंने आपसे शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ मधुमक्खी संबंधी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।